नजीबाबाद पुलिस ने आज एक चोर को अलग अलग घरों में की गई चोरी में चोरी किए गए माल सहित गिरफ्तार करने का दावा किया है। चोरी किए गए माल की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। चोर के 3 नाबालिग साथियों को भी पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। आज एसपी सिटी ने प्रेस को बताया कि 11 दिसंबर को विजयपाल निवासी आरसीपुरम कॉलोनी आदर्श नगर नजीबाबाद ने थाने में दी गई तहरीर में बताया था कि अज्ञात चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर और 80,000 रुपये नकद चोरी कर लिए हैं। 3 जनवरी को सचिन कुमार निवासी आरसीपुरम नजीबाबाद ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 27 दिसंबर को चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए हैं। 5 जनवरी को पुलिस को खबर मिली कि आदर्श नगर तेल डिपो के पास बने खंडर में चोरी किए गए माल का बंटवारा किया जा रहा है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए वहां से एक अभियुक्त अजहर निवासी मोहल्ला बसली बाजार नजीबाबाद को गिरफ्तार करके उसके पास से चोरी किए गए जेवर और 21,300 रुपये नकद के साथ साथ एक पल्सर बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने इसके 3 नाबालिग साथियों को भी अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। देखिए, विगत दिनों कस्बा नजीबाबाद में लगातार 3 चोरियां हुई जो मोहल्ला आदर्श नगर, कुंवर कॉलोनी और आरसीपुरम में। हमारी नजीबाबाद थाना पुलिस लगातार इस चोरी खुलासे के लिए लगी हुई थी। तमाम सीसीटीवी कैमरे की छानबीन की गई, उसके आधार पर जो अभियुक्त प्रकाश में आए उनकी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा था। रात 12:15 बजे के आसपास मुखबिर से सूचना मिली कि तेल डिपो के पास एक खंडार है, वहां पे लोग लड़के देखे गए हैं। इस सूचना पर जब हमारी पुलिस पहुंची तो विगत दिनों चोरी किए गए जो माल थे उसके बंटवारे कर रहे थे उसका ये लोग। उसमें से एक अजहर जो कि कस्बा नजीबाबाद का निवासी है वो पकड़ा गया। उसने बताया 3 साथी उसके और थे जो कि बाल अपचारी हैं। इनके पास से लगभग 8 लाख रुपए के जेवरात बरामद हुए जो जिनके घरों से चोरी हुई थी। उन्होंने माल को देख के अपने पहचाना। अजहर को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। 3 इनके साथी जो बाल अपचारी हैं उनको भी जेल भेजा जा रहा है।